रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अभी शांति और मोहन का एक लौता बेटा था और शांति और मोहन ही उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर बात मानते थे। अभी की माँ शांति और पिता मोहन अभी के साथ मुरली जी के यहाँ अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाते हैं, क्योंकि मुरली जी की 5 सुंदर बेटियाँ थी। मुरली और उनकी पत्नी शिखा शांति और मोहन का स्वागत करते हैं कि तभी शांति उन सब से कहती है, जी बहुत तारीफ सुनी है आपकी बेटियों की, उनके संस्कारों की। इसके लिए आपके घर से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। वैसे ही आजकल नाम के साथ इज्जत और संस्कारों वाले लोग कम ही मिलते हैं। जी ये बात तो सही कही आपने, मेरी 5 बेटियाँ बहुत गुनी हैं। आज तक कभी किसी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस वजह से हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े। वैसे ये बातें तो होती रहेगी, मैं आपको अपनी 5 बेटियों से मिलवाती हूँ। अपनी 5 बेटियों की तारीफों के पुल बांध कर शिखा अपनी 5 बेटियों यानी कि नीना, मीना, रीमा, सीमा और टीना को बुला कर लाती है और वो 5 बेटियाँ बढ़िया सी सज कर सुंदर साड़ी पहने, सर पर संस्कारी बहुओं की तरह पल्लू डाले हुए वहाँ आती है और 5 को देखकर शांति चिंता में पड़ जाती है और मन ही मन विचार करने लगती है। वाह, सब की सब एक से बढ़कर एक है, समझ ही नहीं आ रहा किसे चुनूं और किसे छोड़ूं, और अगर छोड़ूं तो क्या कहकर छोड़ूं, इसमें तो कोई कमी ही नहीं है। बहन जी कहाँ खो गई आप, यही है मेरी 5 बेटियाँ। आपको आपकी बेटी के लिए जो पसंद आए बता दीजिए। जी बात ये है कि हमें आपकी एक नहीं बल्कि 5 बेटियाँ पसंद है, और अगर आप राजी हैं तो मैं आपकी 5 बेटियों को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ और वादा करती हूँ किसी को भी कोई कमी नहीं होने दूंगी। काफी देर विचार करने के बाद शिखा अपनी 5 बेटियों की शादी शांति के बेटे अभी से करने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों परिवार वाले आपस में मिठाई खिलाकर रिश्ता पक्का करते हैं। कुछ ही महीनों में अभी की शादी नीना, मीना, रीमा, सीमा और टीना से हो जाती है, जिसके बाद अभी 5 बीवियों वाला पति बन जाता है। ऐसे ही एक सुबह जब अभी ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था तभी वो जोर से अपनी माँ को आवाज देकर कहता है, माँ माँ मेरी शर्ट नहीं मिल रही, व्हाइट वाली कहाँ रखी है। अभी की आवाज सुनकर 5 बहनें जल्दी से कमरे में आती हैं और बारी बारी कहती हैं, ये लीजिए आपकी व्हाइट शर्ट, ये लीजिए आपका ऑफिस बैग भी रेडी है, और हाँ आपका लैपटॉप फुल चार्ज कर दिया है और बैग में रख दिया है। ये रहा आपका रुमाल, सॉक्स और घड़ी। ये आपके जूते चमकदार एकदम पॉलिश करके लाई हूँ। ये आपके लिए आपका फेवरेट परफ्यूम, और आप जल्दी से रेडी हो जाइए, आपके लिए नाश्ता भी रेडी है। वाह मेरी 5 मूर्ति, क्या बात है, लोगों के नसीब में एक बीवी होती है वो भी बस उसे दुखी करती है, मेरे नसीब में 5-5 हैं, 5 एक से बढ़कर एक हैं। जी शुक्रिया, ये तो हमारा धर्म है। चलो तुम सब माँ की मदद करो, मैं आता हूँ रेडी होकर। जी पतिदेव। इतना कहकर 5 वापस से वहाँ से चली जाती है, शांति की मदद करने लगती है। कुछ देर बाद सभी एक साथ नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठते हैं, तभी नीना कहती है, आज हम 5 ने अलग अलग डिश बनाई है, आप सभी से उम्मीद है कि आप सबको पसंद आएगी। जी हाँ जी, आज मैंने सभी के लिए नाश्ते में कटलेट बनाए हैं, और मैंने पनीर के पराठे बनाए हैं, मैंने तो पालक के पकौड़े और पुदीने की चटनी बनाई है, मैंने सबका फेवरेट डोसा बनाया है। अरे वाह क्या बात है, इसे कहते हैं 5 बहुओं का सुख, भगवान तुम 5 को बहुत खुश रखे। जी हाँ जी, हम सब साथ कोई गम नहीं है। चलो अब जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, फिर नाश्ता करके ऑफिस भी जाना है। अभी की बात सुनकर सभी मिलकर उसे नाश्ता परोसती हैं और अभी नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है, 5 बहनें मिलकर सारा काम किया करती, साथ ही मिलकर रहा करती। ऐसे ही एक शाम अभी घर आकर कहता है, मीना, रीमा, सीमा, नीना, टीना सब सुनो। जी कहिए क्या हुआ। हुआ ये है कि जिस प्रोजेक्ट पर मैं काफी टाइम से काम कर रहा था वो फाइनली मेरी कंपनी को मिल गया है, जिस खुशी में बॉस ने कल पार्टी रखी है और सबको इनवाइट किया है, तो कल शाम तुम सब रेडी रहना मेरे साथ जाने के लिए। अरे वाह ये तो बहुत खुशी की बात है। जी आपको बहुत बहुत बधाई हो, भगवान आपको ऐसे ही खूब तरक्की दे। जी मैं केतन करवाऊंगी घर में आपकी मेहनत की जीत की खुशी में। मजा आ गया, अब तो कल हम सब एक साथ खूब मस्ती करेंगे, आपको किसी की नजर ना लगे अभी जी। अरे बस बस इतना बहुत है, कल सब टाइम पर रेडी रहना ठीक है, लेट नहीं होना कोई भी। अब खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ।
इतना कहकर अभी फ्रेश होने के लिए चला जाता है, जिसके बाद सभी आराम से बैठकर डिनर करते हैं। और अगली शाम अभी की पांचों बीवियां अपने पति के साथ जाने के लिए अच्छे से रेडी होती हैं। पांचों ही एक जैसी साड़ी और गहने पहनकर रेडी होती हैं, जिसके बाद सब मिलकर पार्टी में जाते हैं, जहां अभी के साथ एक जैसी वेशभूषा पहने पांच लड़कियों को देखकर सब हैरान थे। तभी अभी के ऑफिस का एक दोस्त चिराग कहता है, भाई ये सब क्या है, ये पांच सुंदरियां कहां से ले आया, एक से बढ़कर एक है ये साड़ी की साड़ी। भाई तेरे भाई की बीवियां हैं, शायद आप सबको पता ना हो कि मैं पांच बीवी वाला पति हूँ। क्या कहा, पांच बीवियां? मैंने गलत तो नहीं सुन लिया भाई? जरा पिंच करियो, यकीन नहीं हो रहा। भाई सच कह रहा हूँ, ये पांचों की पांचों बहनें हैं और पांचों मेरी बीवियां हैं। भाई तू कलयुग का द्रौपदी हो गया क्या? सॉरी मतलब कि जैसे कि द्रौपदी के पांच पति थे, भाई तेरी पांच बीवियां हैं तो तू द्रौपदी है। और अब समझ में आ रहा है तूने इतना बड़ा प्रोजेक्ट अकेले कैसे हैंडल कर लिया। कैसे भाई? वो ऐसा है ना, एक कामयाब पति के पीछे एक अच्छी पत्नी का हाथ होता है, पर तेरे साथ एक नहीं बल्कि पांच पांच पत्नियों का साथ है, तो कामयाबी तो मिलनी थी ना भाई। वो तो है ही, चल अब मिल ले अपनी पांच भाभियों से, बातें तो होती ही रहेंगी। इतना कहकर अभी अपनी पांचों बीवियों से सबको मिलवाता है और सभी एक साथ मिलकर पार्टी एंजॉय करते हैं और एक साथ घर आ जाते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर एक शाम ऑफिस से घर आते हुए अभी की कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में अभी दोनों पैरों से अपाहिज हो जाता है। अभी की इस हालत के बाद से घर की आर्थिक स्थिति भी खराब होने लगती है और एक शाम अभी मीना से कहता है, कहां मुझे तुम सबका ख्याल रखना चाहिए था, कहां मैं तुम सब पर बोझ बनकर रह गया हूँ। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है भगवान मुझे मौत दे दे। अरे आप कैसी बात कर रहे हो, हम पांचों बहनों का सुहाग हो आप ऐसा मत कहिए। आप किसी भी चीज की चिंता क्यों करते हो, हम है ना मिलकर इस घर को चला लेंगे, इस घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। जी अभी जी, जब तक हम पांचों आपके साथ हैं आपको कभी किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम पांच एक बंद मुट्ठी की तरह हैं जिसमें बहुत ताकत है, और आपके साथ जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जी अभी जी, जो भी हुआ वो किस्मत का लिखा है और ऐसे खुद से हार जाने से कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमारा साथ ही सबसे बड़ी ताकत है, अब आप देख लेना कि कल से ही हम पांचों अपने काम पर लग जाएंगी और घर भी संभाल लेंगी, अब फिर कभी ऐसी बातें मत करना। अपनी पांचों बीवियों के वचन सुनकर अभी की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं, जिसके बाद नीना ट्यूशन क्लासेस देने लगती है। मीना और सीमा मिलकर घर में ही सिलाई सेंटर खोलती है, रीना ऑनलाइन डाटा एंट्री का काम करती है और टीना ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस देती है और घर की आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर बना देती है। आतिश अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा होता है, तभी वो दीपाली को आवाज लगाकर बोलता है, दीपाली जरा मेरी टाई दे दो, मिल नहीं रही, और मेरा रुमाल भी। अरे आतिश जी सही से देखिए ना, वही होगी कबर्ड के ड्रॉअर में। अरे यार मुझे नहीं मिल रही, तुम दे दो ना। अच्छा ठीक है मैं ही देती हूँ। दीपाली उसकी बात सुनकर कबर्ड से उसका सामान निकाल कर देती है और साथ ही उसकी टाई खुद बांधती है। टाई बांधते वक्त आतिश उसे अपनी ओर खींच लेता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है, आजकल ऐसा क्या कर रही हो जो तुम्हारी कमर पहले से सॉफ्ट और पतली हो गई है। आतिश जी सुबह सुबह रोमांस छा रहा है आपको, हटी क्या कर रहे हैं? हाँ छा रहा है, अब तुम्हें प्यार भी ना करूं क्या? हाँ तो रात को करो ना, अभी दिन हो चुका है और मुझे बहुत काम है, माजी आ गई तो। तुम्हारा मतलब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रात में रोमांस करूं, दिन में नहीं, और माँ की चिंता मत करो वो नहीं आएंगी। माजी माजी आ गई आतिश जी, छोड़िए। मुझे उल्लू मत बनाओ, पहले की तरह चकमा देकर भाग जाओगी। आई नो मैं नहीं छोड़ूंगा आपकी बार। आप पागल हो गए हैं, माजी सच में आ गई, पीछे देखिए। अच्छा मैं नहीं जाने दूंगा आज। बेटा आतिश मैं यही हूँ, छोड़ मेरी बहू को। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों झट से अलग हो जाते हैं और शर्मिंदा होकर आंखें नीचे करके बोलते हैं, माँ आप यहाँ कैसे, मुझे तो पता ही नहीं चला। फिलहाल तो मैं पैरों से आई हूँ, बाकी काम है बहू से। जी जी माँ जी बोलिए क्या काम है। दिवाली आने वाली है तो सोच रही हूँ घर को रेनोवेट करवा लूँ। पर माँ जी दिवाली आने में तो अभी 15 दिन बाकी है। इसलिए तो कह रही हूँ जल्दी जल्दी करवा लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में सारा सामान भी लाना होता है, धनतेरस भी तो है, सब देखना पड़ता है, इसलिए तुम दोनों अपनी मर्जी से अपना कमरा रेनोवेट करवा लेना। जी माँ। इतना बोलकर सब एक साथ नाश्ता करते हैं और आतिश ऑफिस के लिए निकल जाता है।
कुछ देर बाद दोनों सास बहू बैठकर हिसाब लगा रही होती है और दीपाली बोलती है, माँ जी ये सब तो हो गया, कुछ रह गया है तो बता दीजिए, मैं सामान में ऐड कर देती हूँ। खाने पीने का तो तू देख लेगी, मैं कह रही थी नए पर्दे और बेडशीट भी ले आते हैं, और ये सोफे भी पुराने हो गए, ये भी नए ले आते हैं। हाँ माँ जी आप ठीक कह रही हैं। ज्यादा का बजट तो नहीं बैठा ना बहू? नहीं माँ जी, थोड़ा बहुत तो दिवाली पर खर्चा होता ही है, दिवाली कौन सी रोज रोज आती है। अगले दिन मीना घर को रेनोवेट करवाना शुरू कर देती है। रेनोवेट कराने में 3 दिन लग जाते हैं, जिसके बाद घर बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। ये देखकर दीपाली बोलती है, वाओ माँ जी घर कितना प्यारा लग रहा है ना, एक अलग ही रौनक आ गई है। चलो बढ़िया है, काम टाइम पर खत्म हो गया और फर्नीचर भी चेंज हो गया। हाँ बहू अब बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे मन को शांति सी मिल गई हो। हाँ माँ जी ये सब करवा के ना दिल में एक अलग ही वाइब सी आ जाती है। अरे माँ जी हमने तो अभी तक शॉपिंग ही नहीं की, दिवाली में 1 हफ्ता बचा है। कोई नहीं आज आराम कर लेते हैं, कल मार्केट चलेंगे। नहीं माँ जी कल परसों नहीं, हमें आज ही जाना होगा। अरे दिवाली के चलते ना बहुत रश होगा मार्केट में, पर धक्के खाने पड़ेंगे हमें। हाँ थोड़ी देर में चलते हैं, चल जब तक एक कप चाय बनाकर पिला दे। जी माँ जी। दीपाली मीना की बात सुनकर उसे चाय बनाकर पिला देती है, जिसके बाद दोनों मार्केट जाकर न्यू पर्दे बेडशीट डेकोरेशन के सारे सामान लाइट्स वगैरह कपड़े शॉपिंग करके घर आते हैं और सोफे पर फैल कर बैठते हुए बोलते हैं, अरे दीपाली बहू मेरी तो कमर ही गई सामान उठा उठा कर, कितनी भीड़ थी, एक औरत तो मेरे पैर पर ही चढ़ गई। अरे माँ जी मेरे तो कमर हाथ पैर सब कुछ ही दुख रहा है। अरे आपसे कहा था एक रिक्शा ले लो, लेकिन आपने मेरी सुनी नहीं, खुद तो इतना भारी सामान उठाया, साथ में मुझसे भी उठवाया। हाय राम मर गई मैं तो, बहू मैं तो आराम करूंगी, उठूंगी ही नहीं, और आतिश नहीं आता जब तक तू भी आराम कर ले। ठीक है माँ जी। इस तरह दोनों आराम करती है और शाम तक दोनों खर्राटे मारकर सो रही होती है। तभी आतिश आकर उन्हें सोफे पर सोता हुआ देखकर और शॉपिंग बैग्स को देखकर समझ जाता है कि दोनों बहुत थकी हुई हैं। ये सब देखकर वो फ्रेश होकर खुद खाना बनाता है और प्लेट्स में सर्व करके सबके आगे लाता है, जिसके बाद वो दोनों को जगाता है और खाना देखकर मीना बोलती है, अरे बेटा तू कब आया, और बहू ये खाना तूने बनाया है? नहीं माँ जी मैंने तो खाना नहीं बनाया, इसका मतलब आतिश जी ने ऑफिस से आकर खाना बनाया। अरे आप मुझे जगा देते ना। हाँ बेटा हमें जगा देता, वो थके हुए थे ना इसलिए उठे नहीं। कोई बात नहीं माँ, आप दोनों थके हुए थे इसलिए नहीं उठाया, मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपने हाथों से आपको खाना बनाकर खिला दूं। मेरा प्यारा बेटा। इस तरह तीनों मिलकर खाना खाते हैं और अगले दिन आतिश की छुट्टी थी तो सबने ब्रेकफास्ट कर लिया होता है। दीपाली कमरे का फैन साफ कर रही थी और उसका स्टूल से पैर स्लिप हो जाता है, तभी आतिश उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है और बोलता है, ध्यान से जान, अगर मैं नहीं होता तो लग जाती ना। अरे जब तुम मेरे पास हो तो मुझे कैसे लग सकती है। अच्छा जी इतना कॉन्फिडेंस। अरे कब तक ऐसे खड़े रहोगे, उतारो मुझे वरना माँ जी आ जाएंगी। उनका नाम मत लो यार, हमारे रोमांस की दुश्मन हो गई हैं वो आजकल। आतिश जी माँ जी आ गई। उसकी बात सुनकर आतिश उससे फिर से झटके से अलग हो जाता है और दीपाली उसे उल्लू बनाकर भाग जाती है। ऐसे ही धनतेरस का दिन आता है और मीना दीपाली से कहकर सारे घर में दिए जलवा देती है और साथ ही उसे तोहफे में सोने का हार और कंगन देती है, तो दीपाली भी अपनी सास को साड़ी गिफ्ट करती है। और दिवाली के दिन दोनों मीना से आशीर्वाद लेते हैं। दीपाली पूरे घर को लाइट्स और दीयों से सजाती है और साथ ही साथ रंगोली भी बनाती है। दिवाली की पूजा करने के बाद आतिश अपने दोस्त समर के साथ आतिशबाजी करने चला जाता है। ओए समर तू आ गया, हैप्पी दिवाली बे। नहीं मैं नहीं, मेरा भूत आया है। साले जोक मारता है, चल आजा पटाखे फोड़ते हैं। नहीं नहीं मुझे डर लगता है, मैं नहीं फोड़ूंगा। अरे तू फोड़, ये ले मैं हूँ ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा तुझे। राम 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 राम। धप्पा बूम। अबे तेरी तो निकल गई। ए पागल है क्या तू, डरा दिया मुझे। अच्छा अब नहीं डराऊंगा, चल दोबारा जला बम। आतिश की बात सुनकर समर दोबारा बम जलाने की कोशिश करता है और बम जलाकर डर के छोड़ के आगे आ जाता है और छुपकर देख रहा होता है।
तभी आतिश वहाँ आता है और उस बम को उठाकर बोलता है, अबे ये तो बुझा हुआ है बे, ले देख। अबे हट हट हट, दूरो दूरो, अबे साले पागल है क्या, मरवाएगा। अबे आग नहीं लगी इसमें, देख हाथ में लेकर। ए आतिश तू पागल हो गया है, तेरा दिमाग सटिया गया है क्या। अबे कुछ नहीं हुआ, ले साला डरपोक भाग गया। आतिश वहाँ से सीधा अपने घर आता है जहाँ सभी लोग बम पटाखे जला रहे होते हैं। आतिश भी उनमें शामिल होता है। तभी दीपाली बोलती है, आतिश जी ये क्या कर रहे हैं आप, पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं। अरे इको फ्रेंडली दिवाली मनानी चाहिए, आपको पता है पटाखे फोड़ने से कितना एयर पोल्यूशन होता है। दीपाली आज ही तो कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ थोड़े से, वैसे भी पूरे साल में सिर्फ एक बार पटाखे फोड़ने का बनता है ना। आतिश जी आपकी तरह ही अगर सारे लोग एक एक पटाखा भी जलाएंगे तो सोचो कितने पटाखे जलेंगे। अरे अगर आप अपनी सोच नहीं बदलेंगे तो बाकी लोगों को क्या समझाएंगे, इसीलिए रुक जाइए, पटाखे मत फोड़िए, इको फ्रेंडली दिवाली मनाइए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दीपाली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हुई ना बात, अच्छा चलिए अब अपने आस पड़ोस में मिठाइयाँ दे आइए आप। ठीक है। दीपाली आतिश को मिठाई के डब्बे दे देती है और वो एक एक करके सभी पड़ोसियों में जाकर मिठाइयाँ बांटता है। बदले में उसके पड़ोसी भी उसे ढेर सारी मिठाइयाँ वापस करते हैं। घर लौटने के बाद आतिश दीपाली से बोलता है, लो मैं बांट आया सभी पड़ोसियों के यहाँ मिठाई, बदले में उन सब ने हमारे लिए मिठाई भिजवाई है। लाइए मैं इन्हें अंदर रख देती हूँ। अच्छा अगर अब कोई काम ना बचा हो तो कुछ खाने का इंतजाम कर लो यार। जी जरूर, आप कमरे में आराम कीजिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। आतिश अपने कमरे में पहुँचा ही था कि उसके एक दोस्त का कॉल आता है। असल में वो आतिश का एक बहुत ही पुराना दोस्त था जो उसे फोन करके मजे लेने की कोशिश करता है। आतिश उसका नाम अपनी स्क्रीन पर देखकर खुद से बोलता है, अबे यार बस इसी की कमी रह गई थी, ये तो सबसे बड़ा वाला हरामी है, फोन उठा लिया तो सबसे पहले पटाखों की बात करेगा, खैर बोलेगा तो मैं मना कर दूंगा। आतिशबाजी के शोर में आतिश उसका फोन उठा ही लेता है। रवि बोलता है, हेलो। हाँ हेलो रवि भाई, हैप्पी दिवाली। अबे कौन सी गाली। अबे हैप्पी दिवाली। अबे क्या गाली दे रहा है आज तू। अबे आतिश मैंने बोला हैप्पी दिवाली भाई, तेरा बाप मवाली। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कैसा है। पैसा है। अरे नहीं भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अबे पैसा नहीं, मैंने पूछा तू कैसा है। अबे तेरे पास बहुत चोर हो रहा है यार। मेरा बाप चोर है साले, तू चोर, तेरा बाप चोर, मेरा बाप की चोर। अबे ओ बहरी औलाद, चोर नहीं शोर हो रहा है तेरी तरफ। क्या बर्फ, बर्फ कहाँ से आ गई, अभी ठंडी आने में थोड़ा टाइम है। अबे यार तू कितना परेशान कर रहा है, एक तो मैंने तेरे को विश करने के लिए कॉल किया है। क्या किस करने के लिए फोन किया है, मुझे क्यों किस कर रहा है, अपनी गर्लफ्रेंड को करना और फोन पर कैसे होगा। अबे ओ बहरा अंधा काना लंगड़ा लुल्ला पागल है क्या। झूला, अबे झूले का सीजन तो गया, अब क्या झूला कर रहा है, अगले साल आइयो। साला मेरा कितना दिमाग खा रहा है फोन पर, साले कमीने काले कुत्ते रंगीले फटे दूध के कीड़े, साले हैप्पी दिवाली बोलने के लिए फोन करा था, रख तेरे चाचा की। क्या ओबामा की। हेलो हेलो, लगता है फोन काट दिया और मैंने उसका काट दिया। आप सभी को मेरी ओर से दिवाली की शुभकामनाएं। शिल्पा अपनी सास अनुराधा से चाय में चीनी डालने के लिए रसोई की चाबी मांगती है। तभी उसकी सास बोलती है, जितनी चीनी डाली है ना उतनी बहुत है, और चाहिए तो पहले पैसे दे फिर चीनी मिलेगी। माँ जी हद ही हो गई, अरे इतना कमा कर कहाँ जाओगी, सब कुछ यहीं रह जाएगा, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। बहू मैंने तुझे पटर पटर जुबान चलाने को नहीं कहा, चीनी चाहिए तो पैसे दे वरना फीकी चाय पी। माँ जी हम तो आपके घर का हिस्सा है ना, और घर के लोगों से पैसे कौन लेता है, दे दो ना चीनी चाय ठंडी हो रही है। नहीं मतलब नहीं, पहले पैसा फिर सामान। ये लीजिए पैसे, और भगवान के लिए अब चीनी दे दीजिए वरना मुझे आइस टी पीनी पड़ेगी। अपनी बहू से 10 रुपए लेने के बाद अनुराधा रसोई का ताला खोलकर अंदर जाती है और चीनी के डब्बे से 2 चम्मच चीनी लेकर अपनी बहू को देती है, जिसके बाद वो दोबारा से रसोई का ताला लगा देती है। तभी शिल्पा मन में बोलती है, हे भगवान ये कैसी सास दी है तूने मुझे, 1000 कंजूस मरे होंगे तब जाकर मेरी सास पैदा हुई होगी, कहाँ फंस गई मैं, ससुराल कम और किराने की दुकान ज्यादा लगती है, हर काम के पैसे दो तब होगा। सोचते ही सोचते शिल्पा हॉल में आती है और बेचारी शिल्पा अपनी ठंडी चाय में चीनी डालकर पीने लगती है। अनुराधा अपने पति के जाने के बाद से अकेले घर संभालती थी,
जिसके चलते उसे कंजूसी की आदत हो गई थी। वो घर की हर जरूरत की चीज पर ताला लगा कर रखती, जैसे कि रसोई का सामान, घर की अन्य जरूरतों का सामान, सब पर वो ताला लगाए रखती। साथ ही चाबियों का गुच्छा हमेशा अपनी कमर में दबाए घूमती रहती। और जब घर में किसी को किसी चीज की जरूरत होती तो वो पहले अपने घर वालों से पैसे लेती और फिर उन्हें सामान देती। ऐसे ही एक दिन शिल्पा कपड़े धो रही होती है, तभी वो देखती है कि कपड़े धोने का साबुन खत्म हो गया है, जिसके लिए वो अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी माँ जी कहाँ हैं आप? अरे क्यों चिल्ला रही है, यही तो हूँ मैं। माँ जी वो कपड़े धोने का साबुन खत्म हो गया था, जरा निकाल कर दे दीजिए। अच्छा ला फिर, 20 रुपए दे, मैं तुझे साबुन दे देती हूँ। माँ जी उसमें आपके भी तो कपड़े हैं, फिर क्यों पैसे मांग रही हो? तो एक काम कर, मेरे कपड़े बस पानी में से निकाल कर सुखा दे, मैं बिना साबुन के धुले कपड़े भी पहन लूँगी। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप, एक तो आपके कपड़ों में से पसीने की इतनी गंदी बदबू आती है ना कि बंदा कोमा से बाहर आ जाए, ऊपर से आप कह रही हैं कि उसे सिर्फ पानी में से निकाल दूं। जी अरे करम जली, कपड़े मेरे, पसीना मेरा, बदबू भी मेरी, इसमें तेरा कुछ नहीं है। साबुन चाहिए तो पैसे दे, वरना मुझे और भी काम है। शिल्पा अपनी साड़ी के पल्लू में बंधे पैसों में से 20 रुपए निकालती है और अनुराधा को देती है, जिसके बाद वो उसे कपड़े धोने का एक साबुन निकाल कर दे देती है और शिल्पा वापस से कपड़े धोने चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और शिल्पा अपनी सास को समझा समझा कर परेशान हो जाती है, पर अनुराधा की कंजूसी करने की आदतें नहीं जाती। ऐसे ही एक शाम जब कमल ऑफिस से घर आता है तो शिल्पा उसके लिए खाना परोस कर कमरे में चले जाती है। कमल एक निवाला खाना खाने के बाद शिल्पा से बोलता है, यार शिल्पा इसमें नमक बहुत कम है, थोड़ा नमक ले आओ ना रसोई से। अच्छा तो पैसे दो फिर। यार मैंने तुम्हें नमक रसोई से लाने को कहा है, दुकान से नहीं। अरे तुम्हारी माँ जी ने घर में ही दुकान जो खोल रखी है वही बहुत है दुकानदारी करने के लिए, और किसी की जरूरत ही नहीं है। ओह मैं तो भूल ही गया था कि माँ को भी बात बात पर हर चीज के पैसे मांगने की आदत है, पता नहीं उनकी एक कंजूसी की आदत कब जाएगी। तुम खुद तो चले जाते हो, मुझसे पूछो मेरा क्या हाल होता है, ऐसा लगता है किसी जर्नल स्टोर में काम कर रही हूँ। पैसा दो, सामान लो, हद कर रखी है तुम्हारी माँ ने सच में। अरे तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। हाँ हाँ जल्दी करो, मुझे तो डर है कहीं बाथरूम जाने के भी पैसे न ले लगे माँ जी। अरे नहीं तुम ज्यादा मत सोचो। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और बेचारी शिल्पा हर सामान को बहुत ही संभाल संभाल कर इस्तेमाल करने लगती है ताकि वो जल्दी खत्म ना हो। ऐसे ही एक दिन शिल्पा की ननद कुहू घर आती है। अनुराधा और शिल्पा खुशी खुशी उसका स्वागत करती है। सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी शिल्पा सबके लिए चाय बनाकर लाती है और टेबल पर रख देती है, जिसे देखकर कुहू बोलती है, अरे अरे भाभी ये क्या है, आप खाली चाय ले आए, अरे कम से कम नमकीन बिस्किट तो ले आती। माँ जी दीदी कुछ कह रही हैं, जवाब दीजिए। बता कुहू कौन सी नमकीन खानी है, अभी मंगवाती हूँ शिल्पा से। ओ तेरी, आज अपनी बेटी से पैसे नहीं मांगेगी क्या, हमसे तो हर चीज पे पैसे वसूलती। भाभी मुझे आलू भुजिया और खट्टी मीठी नमकीन चाहिए, दोनों ले आओ। अच्छा तो चल 35 रुपए दे दे, तुझे ये सब मिल जाएगा। क्या माँ 35 रुपए, पर क्यों? देख कुहू तुझे पता है नाम है मेरा अनुराधा, काम में ना आने दो कोई बाधा, यहाँ तुझे जो भी खाना है पीना है उसके पैसे देने होंगे, कुल मिलाकर तेरे 40 रुपए बन रहे हैं, पर फिर भी मेरी तरफ से तुझे 5 रुपए का डिस्काउंट, तू भी क्या याद रखेगी। अपनी माँ की बात सुनकर कुहू का मुँह खुला का खुला रह जाता है और वो बेचारी चुपचाप चाय का कप उठाकर पी लेती है। और शिल्पा ये सब देखकर मन ही मन में सोचती है, अरे कैसी माँ है, कम से कम अपनी बेटी पे तो रहम खाती। हे भगवान किस जन्म का बदला ले रहा है तो मुझसे, इतनी कंजूस सास, ए घर वालों से भी पैसे लेती है, पता नहीं कितना माला माल बनेगी ये। ऐसे ही वक्त और गुजरता है, दिन पर दिन अनुराधा का कंजूसी करना बढ़ता ही जा रहा था और अब उसकी इस आदत से घर के सब लोग बहुत परेशान थे। एक दिन अनुराधा मंदिर गई होती है और घर पर शिल्पा कुहू और कमल तीनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी कुहू बोलती है, भैया आप माँ को समझाते क्यों नहीं, ऐसे कब तक वो हमसे सब चीजों के पैसे लेती रहेंगी। नव्या अगली सुबह से अपनी सास को बेसिक एक्सरसाइज करवाना शुरू करती है,
और देखते ही देखते उसके आस पड़ोस की औरतें भी फिट रहने के लिए। और अगली सुबह अनुराधा शिल्पा को आवाज लगाती है और कहती है, अरे ओ बहू, जरा एक कप चाय बना दे। माँ जी, आपको चाय पीनी है तो आपको 10 रुपए देने होंगे, मैं फ्री की चाय नहीं बनाऊंगी। अरे दिमाग तो नहीं फिर गया तेरा, ये सुबह सुबह क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं माँ जी, सच कह रही हूँ। अरे मुझसे नहीं होता ये फ्री का काम, अब तो मैं हर काम करने के पैसे लूंगी। अब आपकी मर्जी है, आपको चाय पीनी है तो पैसे दो, वरना जो मर्जी करो। काफी देर बहस करने के बाद अनुराधा शिल्पा को पैसे दी देती है, जिसके बाद वो उसके लिए चाय बना कर लाती है। ऐसे ही दोपहर के समय वो अपनी बेटी कुहू को आवाज लगाती है। कुहू, कुहू कहाँ है तू? हाँ माँ, कहो। क्या हुआ? जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दे, मुझे पड़ोस की एक पार्टी में जाना है। कर दूंगी माँ, लेकिन मैं 50 रुपए लूंगी, तब करूंगी। ये क्या बेहुदा मजाक कर रही है, तू मेरे काम करने के पैसे लेगी? बिल्कुल लूंगी माँ, जैसे आप लेती हो। कुहू की बात सुनकर अनुराधा चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब शाम होती है तो कमल घर आता है और अपनी माँ को ऐसे सोफे पर उदास बैठा देखकर बोलता है, माँ क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। अरे माँ लाओ, मैं आपका सर दबा देता हूँ, फिर आप मुझे 100 रुपए दे देना। क्या, 100 रुपए? जी हाँ माँ, 100 रुपए। अब देखिए, मैं भी तो थका हारा घर पर आया हूँ और फिर अब आपको अपनी सेवा भी करवानी है, तो इसमें मेरा भी तो फायदा होना चाहिए ना, इसलिए मैं आपका सर दबा देता हूँ, बदले में आप मुझे 100 रुपए दे देना। कमल की बात सुनकर अनुराधा बुरा सा मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और अब अनुराधा जब भी कोई काम किसी को कहती तो वो सब उससे पैसे मांगते, जिसके चलते अब वो ज्यादातर काम खुद करती। ऐसे ही एक रात सब डिनर कर रहे होते हैं, तभी अनुराधा बोलती है, शिल्पा बहू जा नमक लेकर आ जा रसोई में, सब्जी में बहुत कम नमक है। कुहू जाओ तुम ले आओ। हाँ भाभी, ले आऊंगी, पर 10 रुपए देने पड़ेंगे आपको, मैं फ्री में काम नहीं करती। ओ अच्छा, सुनिए जी, आप ले आइए। यार मैं तो पहले ही बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं तो 20 रुपए लूंगा नमक लाने के। हाय हाय, बेशर्मी की भी हद होती है, बात बात पर पैसे मांगते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती? भगवान की दया से हमारे घर में सब कुछ है, घर, पैसा, कपड़ा, खाना, फिर भी तुम सब ने इतनी भुखमरी क्यों मचा रखी है? माँ जी, आप भी तो हमेशा हर चीज के पैसे लेती है ना, तो बस अगर आप माला माल हो सकती है तो हम क्यों नहीं हो सकते? वैसे भी खरबूजे को देख के ही खरबूजा रंग बदलता है, तो जैसी आप वैसे हम। शिल्पा की बात सुनकर अनुराधा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सबसे कहती है, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चों, मेरी कंजूसी की आदत के चलते तुम सब भी ऐसे हो गए, पर मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं आया कि हम सब एक परिवार है, कोई किराने की दुकान थोड़ी। अब से मैं कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी, और ये ले बहू, सारे ताले खोल दे और जा, सभी ताले को कचरे के डब्बे में डाला। अब अनुराधा किसी भी चीज में कोई कंजूसी नहीं करती, साथ ही साथ वो खुले हाथों से खर्चा करने लगती है, जिसके कारण एक बार फिर उसके परिवार में खुशहाली लौट आती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।